किरण शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल निफ्टी पे कैसे ट्रेड किया जाए, ये लास्ट का एक डेढ़ घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग क्योंकि डिसाइड करेगी कल बाजार कैसे चलेगा, और दूसरा कल और परसों का बाजार कैसे देखते हैं आपको? दीपी जी, बहुत अहम लेवल्स पे निफ्टी है। अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते लास्ट टू टॉप्स के, जो कि करीबन 6 जून के और 20 जून के टॉप्स लेते हैं और एक ट्रेंड लाइन खींचते, तो ट्रेंड लाइन वैल्यू करीबन आज के जो अभी के लेवल्स है 9630 को, इसके बिल्कुल उन्ही लेवल्स पे आती है। तो डिसाइसिव लेवल्स पे हमेशा मार्केट ये देखा जाता है कि दोनों तरफ के मूव्स देती है और फिर डिसाइसिव मूव आ जाती है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न आज बना हुआ है, पहले गिरावट और उसके बाद वापस एक बार अच्छी पुल बैक, तो मेरा मानना है कि नीचे आने की संभावना बहुत कम बनती है। और अगर ये 9600 के लेवल्स टूट जाते हैं तो फिर निचले स्तर देखने को मिलेंगे। जब तक 9600 के ऊपर है, मेरा मानना है कि थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। तो इस वजह से मैं लॉन्ग ट्रेड करके चलना चाहूंगा, 9590 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट के लिए 9670-9700 के लेवल्स देखूंगा। पर अगर आज 9650 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मैं टेक्निकली ये देखा जाएगा कि एक ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट देखने को मिलेगी एसेंडिंग ट्रायंगल की, जिसके बाद हम ऊपरी स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है।